हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से ग्रीसन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जनवरी का महीना है, इस महीने हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा सब्जियां उगाते हैं, और चाहे छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, चाहे वह छोटी मंडियां करते हो या बड़ी मंडियां करते हो। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में यही सब जानने वाले हैं कि जनवरी के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जियाँ लगाएँ जिससे जब वह तैयार हों तो आपकी मंडी रेट जो है सबसे ज़्यादा हर किसान भाई से मिले। तो दोस्तों, इन फसलों की जो है दोस्तों हमने तीन वर्ग में बांट रखा है। पहले वर्ग में दोस्तों हमने भेल वर्ग की रखी है, दूसरे वर्ग में खड़ी फसलें रखी हैं, और तीसरे वर्ग में दोस्तों सलाद वर्ग की फसलें हैं। दोस्तों, इनमें दोस्तों कुछ अगेती सब्जियाँ हैं व कुछ पछेती सब्जियाँ हैं। इन सब्जियों में दोस्तों कुछ सब्जियां 100 रुपये किलो तक जाती हैं या उससे ऊपर भी जाती हैं, कुछ सब्जियां दोस्तों जो है 30 से 40 रुपये किलो तक रहती हैं, लेकिन उनका मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि दोस्तों इस समय शादियों का सीज़न रहता है। शादियों के सीज़न में दोस्तों ये सब्जियां वैसे ही इनकी डिमांड रहती है सलाद वर्ग की सब्जियों की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन सभी सब्जियों को कैसे आप अपने खेत में लगा सकते हैं इस समय। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाई, इस वर्ग में जो पहले वर्ग की सब्जियां हैं उसमें आप तुरई की खेती कर सकते हैं। तुरई यानी दोस्तों गिलकी, कहीं कहीं दोस्तों इसको तुरई को गिलकी भी कहते हैं। तो आप गिलकी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस समय अगर गिलकी की खेती करते हैं तो वही लास्ट फरवरी या मार्च से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो उस समय आपकी जो तुरई है मार्केट में जब जाएगी तो सबसे ज़्यादा आपको रेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, तुरई की जो उन्नतशील किस्में हैं दोस्तों हम जो अपने खेत में लगाते हैं वह VNR कंपनी की आलोक है। दोस्तों, और भी तुरई की काफ़ी सारी वैरायटियां आती हैं, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उत्पादन देती है और दोस्तों सबसे अच्छा जो बिक्री रेट इस तुरई का रहता है तो उसी को हम लगाते हैं। तो आप VNR कंपनी की दोस्तों आलोक जो है उसको चेकआउट करके लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस वर्ग में जो दूसरे नंबर की जो फसल है वह आप लौकी की खेती कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस समय इनका जर्मिनेशन काफ़ी कम हो चुका है। दोस्तों, हमने दिसंबर में ही इसकी रोपाई कर दी थी। तो दोस्तों, आप भी लौकी की खेती करिए क्योंकि दोस्तों जब ये मार्केट में जाएगी तो काफ़ी अच्छा रेट आपको मिलेगा, वही 50 से 60 रुपये केजी के हिसाब से। लगभग लास्ट फरवरी में इसका जो है उत्पादन आपको देखने को मिलेगा पहला, और जब पूरी तरीके से उत्पादन जो है दोस्तों मार्च में आपको इसका मिलेगा क्योंकि दोस्तों शुरुआत में ठंड रहती है तो उस समय फल फूल जो है झड़ने की शिकायत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप भी लौकी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप दोस्तों जानते हैं लौकी की उन्नतशील किस्मों की, तो आप दोस्तों सरिता कंपनी की आती है उसको आप लगा सकते हैं, या फिर आप हारूना कंपनी की आती है उसको भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी लौकी की खेती करिए, अच्छा खासा मुनाफा कमाइए क्योंकि दोस्तों ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। दोस्तों, देख लीजिए, हमने अपने खेत में इस तरीके से लौकी की बुआई की है, आप ये देख सकते हैं। पाले की वजह से दोस्तों इस समय पाला गिर रहा है तो उसकी वजह से पौधे में स्ट्रेस आ गया, पौधे की पत्तियां सूखने लगी हैं। दोस्तों, पहले वर्ग की जो तीसरे नंबर की सब्जी है वह आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। कद्दू की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस समय अगर आप कद्दू की बुआई करते हैं, यानी कि दिसंबर महीने में हमने इसकी बुआई कर दी थी, इस समय दोस्तों जर्मिनेशन होगा नहीं, इस समय दोस्तों जर्मिनेशन में काफ़ी समय लगता है, तो आप कुछ समय रुक जाइए, 15 से 20 दिन में इसकी रोपाई कर दें, या फिर इसके पहले आपने की थी तो काफ़ी अच्छा ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस समय जर्मिनेशन काफ़ी कम हो गया है और आपका बीज भी ख़राब हो सकता है, तो आप इस समय इसकी रोपाई ना करें। लेकिन दोस्तों जिन किसान भाइयों ने पहले इसकी रोपाई कर दी थी तो उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है समय है। तो दोस्तों, आप भी कद्दू की खेती करिए, कद्दू की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इनकी उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी देते हैं। VNR कंपनी का दोस्तों सीड आता है उसको आप चेकआउट करके लगा सकते हैं, या फिर कलस कंपनी का भी सीड आता है उसको भी आप अपने खेत में चेकआउट करके लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ग में दोस्तों जो दूसरे वर्ग की फसलें हैं वह खड़ी वर्ग की फसलें हैं। दोस्तों, इसमें आप भिंडी की खेती कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों जिन किसान भाइयों ने दिसंबर महीने में भिंडी की बुआई की थी वह इस समय जर्मिनेशन हो गया, लेकिन दोस्तों इस समय अगर आप बुआई करते हैं जनवरी की पहली तारीख से या दूसरी तीसरी तारीख से तो इस समय दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, यानी कि टेम्परेचर लगभग 5 से 7 रह गया दोस्तों, तो इस समय इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी आप खेत की तैयारी करिए, खेत की तैयारी करके बाद दोस्तों इसको आप
वही 20 से 25 जनवरी या 25 जनवरी के बाद दोस्तों जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर 10 या 15 के आसपास होगा, तो इसका काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन होगा। तो आप भी भिंडी की खेती करिए, उस समय लगाइए, तो उसका जो है उत्पादन लास्ट मार्च से दोस्तों देखने को मिलेगा। तब ये जब मार्केट में जाएगी तो इसका जो पहला रेट होगा वह 60 से 80 रुपये के जी तक मार्केट में आसानी से बिक जाता है। तो आप भी इस समय खेत की अभी तैयारी करिए, फिर भिंडी की बुआई करें, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में जो दूसरे वर्ग की दूसरी सब्जी है वह आप ग्वारफली की खेती कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों वही भिंडी वाला समय, दोस्तों भिंडी की तरीके से ही आप अभी अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। जिन किसान भाइयों ने दिसंबर महीने में इसकी बुआई की थी वहाँ भी पौधे जर्मिनेट हो चुके हैं, तो दोस्तों उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस समय अगर आप जनवरी के पहले तारीख से या दूसरी तीसरी तारीख से इसकी बुआई करते हैं तो आपका बीज ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपके पास समय है, अभी आप रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों ग्वारफली की जो उन्नतशील किस्म है जो दोस्तों हम अपने खेत में लगाते हैं, वह कलश कंपनी का दोस्तों 90 आता है, उसको आप अपने खेत में लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो सीड है यह काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। दोस्तों शुरुआत से ही जब छोटा पौधा होता है तभी से इसमें फलियां आने लगती हैं और 3 महीने लगभग ये फसल चलती है लास्ट तक, और इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है। इसकी जो फली है वह मंडी में जाती है। दूसरे वर्ग की दोस्तों जो तीसरे नंबर की सब्जी है वह आप बैंगन की रोपाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय अगर आप बैंगन की नर्सरी आपके पास है तो आप बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जिन किसान भाइयों ने दिसंबर महीने में इसकी नर्सरी डाली थी उसमें हमने बताया था दिसंबर महीने में कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, तो उसमें नर्सरी डालने को बोला था। जिन किसान भाइयों ने दिसंबर में नर्सरी डाली थी तो अभी आप इस समय नर्सरी रोपाई कर सकते हैं, और दोस्तों इसका 60 दिन में मार्केट में इसका उत्पादन देखने को मिलेगा। जब ये मार्केट में जाएगा दोस्तों उस समय यही 30 से 40 रुपये के जी के हिसाब से बैंगन का रेट मिल जाता है, तो उस समय अगर 40 रुपये के जी मिल जाता है तो किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों उत्पादन में बैंगन बहुत ही ज़्यादा होता है और इस समय बीमारियां भी कम लगती हैं। तो दोस्तों आप भी बैंगन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों बैंगन की उन्नतशील किस्मों की अगर बात करें तो दोस्तों हमने जो अपने खेत में लगाया है तो कलश का F1 जो है सीड वा लगाया और PNR कंपनी का 212 नंबर लगाया है। तो दोस्तों ये दोस्तों पैदावार में काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप PNR कंपनी का नवीना भी आता है, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो फल है वह छोटा रह जाता है लेकिन लगता काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आप भी इन किस्मों को अपने खेत में लगा सकते हैं तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को। अब दोस्तों जो दूसरे वर्ग में चौथे नंबर की सब्जियां हैं वह दोस्तों आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। दोस्तों जिन किसान भाइयों ने दिसंबर में मिर्च की नर्सरी डाली थी तो आप इस समय इसकी रोपाई कर सकते हैं, अगर आपके खेत खाली पड़े हैं तो, क्योंकि दोस्तों इस समय अगर आप रोपाई करते हैं तो मार्च से इसका जो है मिर्च का उत्पादन मिलेगा, तो उस समय काफ़ी अच्छा रेट रहता है मिर्च का, 200 से 300 रुपए के जो नंबर, एक नंबर में 5 केजी आता है, तो इस हिसाब से दोस्तों 50 रुपए या 40 रुपए केजी के हिसाब से पड़ जाता है। तो आप भी मिर्च की खेती कर सकते हैं। दोस्तों इस दूसरे वर्ग में जो पाँचवें नंबर की सब्जी है वह आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। वही तरीका दोस्तों, जिन किसान भाइयों के पास शिमला मिर्च की नर्सरी है तो इस समय वह रोपाई कर सकते हैं शिमला मिर्च की। तो दोस्तों शिमला मिर्च की खेती करिए तो आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। दोस्तों शिमला मिर्च की जो उन्नतशील किस्म है दोस्तों वह इंदिरा कंपनी का आता है, दोस्तों उसको आप अपने खेत में लगा सकते हैं, या फिर PNR कंपनी का सुपर वांडर आता है उसको लगा सकते हैं। और मिर्ची की उस उन्नतशील किस्म की अगर बात करें तो दोस्तों मिर्ची में PNR कंपनी का सुनिधि आता है वो लगा सकते हैं, या फिर PNR कंपनी की 60-13 मिर्च आती है उसको आप अपने खेत में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन किस्मों से काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, और दोस्तों ये जब ये सब्जियां मार्केट में जाएंगी इनका जो है उचित मूल्य मिलेगा आपको। अब दोस्तों इस वर्ग में जो छठवें नंबर की सब्जी है वह आप पछेती गोभी की खेती कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों इस समय गोभी की हार्वेस्टिंग लगभग सभी किसान भाइयों की हो चुकी है, और जिन किसान भाइयों ने जनवरी में यानी कि इस समय नर्सरी डाली है तो लास्ट जनवरी तक इसका जो है रोपाई कर सकते हैं। लास्ट जनवरी से अगर इसका जो रोपाई करेंगे तो या 90 या 75 दिन में तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो उस समय आपको शादियों का सीज़न रहता है तो उस समय आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा जब ये गोभी तैयार होगी दोस्तों। तो आप भी अपने खेत में गोभी की खेती करिए तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वर्ग में जो सातवें नंबर की सब्जी है वह आप पछेती
मटर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय अगर मटर की बुआई करते हैं यानी कि दोस्तों जनवरी में इसकी बुआई करते हैं, लेकिन दोस्तों इस समय जर्मिनेट नहीं होगा तो कुछ समय रुक जाइए 10 से 15 दिन तो, लेकिन जर्मिनेट हो भी सकता है क्योंकि दोस्तों मटर का जो दाना है बीज है वह जर्मिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस समय मटर की बुआई कर सकते हैं। मटर की बुआई अगर इस समय करते हैं तो वही मार्च से इसका उत्पादन मिलेगा, मार्च या लास्ट मार्च से, तो दोस्तों उस समय शादियों का सीजन रहता है तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बाद ही सलाद वर्गीय फसलों में दोस्तों आप गाजर की खेती कर सकते हैं, चुकंदर की खेती कर सकते हैं, मूली की खेती कर सकते हैं, शलजम की खेती कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय अगर आप इन सब्जियों की बुआई करते हैं वही लास्ट मार्च से इनका उत्पादन मिलेगा, उस समय शादियों का सीजन बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों इनकी डिमांड रहती है सलाद में दोस्तों, तो इनका जो मार्केट रेट रहता है वह 50 से 60 रुपये केजी के हिसाब से दोस्तों ये बिकती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा रेट इनका रहता है। तो दोस्तों इस समय आप गाजर, मूली, चुकंदर, पालक इन सभी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।